इस वीडियो में हम कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस को डालना सीखेंगे। कस्टमर ओपनिंग बैलेंस के लिए हम मेन्यू से पार्टीज और कस्टमर ओपनिंग बैलेंस के लिंक को क्लिक करते हैं तो कस्टमर ओपनिंग बैलेंस की स्क्रीन हमारे सामने अपीयर हो जाती है। यहाँ पर वो तमाम कस्टमर आ रहे होते हैं जिनको हमने एज ए क्रेडिट कस्टमर डिफाइन किया है और उनका ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा होता है। यहाँ पर न्यू की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एडिट की ऑप्शन है, क्योंकि जब भी हम कस्टमर डिफाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ नहीं देंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो होगा, अगर कुछ दे देंगे तो वो अपीयर होगा। ये स्क्रीन हमें उसको मॉडिफाई करने की इजाज़त देती है। हम अगर कोई स्पेसिफिक कस्टमर सर्च करना चाहते हैं तो कस्टमर का नाम को सिलेक्ट करें तो सिर्फ एक कस्टमर आ जाएगा, वरना हमारे पास तमाम कस्टमर आ रहे होंगे। जिस कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस को हम एडिट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करें या सेलेक्ट करके एडिट का बटन प्रेस करें तो हमारे पास कस्टमर का नाम आएगा जो कि रीड ओनली है और ओपनिंग बैलेंस है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कस्टमर ओपनिंग बैलेंस का मकसद ये है कि जब हमने इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन शुरू की उससे पहले हमारा कस्टमर के साथ कोई रिलेशनशिप था और उसका कोई रनिंग बैलेंस चल रहा था तो वो बैलेंस हम सिस्टम में डाल देते हैं। वाज़े रहे कि ये ओपनिंग बैलेंस की कोई डेट नहीं है, तो जो भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम सिस्टम में करेंगे कस्टमर से रिलेटेड तो ये उससे पहले का बैलेंस सिस्टम कंसिडर करेगा। इसका इफेक्ट हम कस्टमर लेजर में देख सकते हैं। कस्टमर लेजर की रिपोर्ट पर हमने यहाँ ये देखा कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है। ये वो ओपनिंग बैलेंस है जो हमने ओपनिंग बैलेंस की स्क्रीन से फीड किया था और उसके बाद की तमाम ट्रांजैक्शन आ रही है। ये ओपनिंग बैलेंस जो हमने वहाँ फीड किया था ये तभी आएगा अगर मैं पहली ट्रांजैक्शन से पुरानी डेट दूंगा। अगर मैं ट्रांजैक्शन डेट मिसाल के तौर पे अक्टूबर की दूंगा तो ओपनिंग बैलेंस फिर ये 28,500 आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस 28,500 है, तो जब हम सिस्टम के स्टार्ट से ओपनिंग बैलेंस देखेंगे तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस की स्क्रीन पे जो एंट्री है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये कभी भी चेंज की जा सकती है।